अली फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट योर पेशेंस। हमको पिछले 6 महीने से ये टाइमलाइन थी उसको सेट कर रहे थे, एंड आई अप्रिशिएट यू, वेरी वेरी पेशेंट विद इट। सो सो मेनी थैंक्स फॉर एडजस्टमेंट्स एंड एलोकेशंस एंड ऑल दैट। जरूर ओके, फाइनली हम अप्रैल में पहुंचे हैं, तो फाइन वे स्पीकिंग। और आपने पहला सवाल ही बड़ा जो है जोरदार किस्म का बाउंसर निकाल कर दिया मारा है। तो कामयाबी एक ऐसी चीज है जिसका जिसकी कोई हजार या लाख डेफिनेशंस हैं। हर बंदा अपनी अपनी डेफिनेशन लेके फिर रहा है, और बस का तो सारी डेफिनेशन आपस में कंट्राडिक्टरी भी होती हैं। मेरे ख्याल में कोई हर्ज भी कोई नहीं है। जरूरी नहीं है कि कामयाबी की बड़ी कोई यूनिवर्सल किस्म की डेफिनेशन मौजूद हो। ये एक बड़ी जाती किस्म की डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि हर बंदे के नजदीक कामयाबी का अपना कोई मयार है, अपना कोई टच स्टोन है, अपना कोई स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से वो उसको डिफाइन कर सकता है। मेरे ख्याल में कामयाबी यह है कि इंसान सबसे पहले तो डिस्कवर कर सके कि उसका पर्पस क्या है, वो इस सैारे पे किस लिए मौजूद है। और मैं उन लोगों में से शामिल हूँ जो जो ये समझते हैं कि असल में हम एक रूहानी वजूद हैं, जिसको एक कुछ मदद के लिए एक जिस्मानी वजूद दिया गया है, और उसके बाद एक बार फिर वो रूहानी वजूद जो है वो वापस अपने आएगा असल को पहुंच जाएगा। ऐसा ही तो वो जो एक सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको मालूम हो कि आप रूहानी या जिस्मानी वजूद में किस लिए मौजूद हैं। एक आपको अपने पर्पस, अपने गोल, अपने यहाँ होने को कोई ना कोई वास्ता, कोई ना कोई सिरा, कोई ना कोई मकसद आपको समझ में आए। और फिर ये कि जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आप जो भी जिंदगी है आपके पास, हमारे पास 40, 50, 60, 70, वट एवर जो भी ईयर्स है, जितने भी सालों में है, उस जिंदगी को फिर उस मकसद के लिए खपा दिया जाए, सर्फ कर दिया जाए। और मेरे ख्याल में यही कामयाबी है। मेरी जो डेफिनेशन है वो उससे बेहतर नहीं है। एक अपने मकसद को आप डिस्कवर कर सकें कि आप यहाँ पर हैं किस लिए, फिर उसके बाद आप उसी मकसद के लिए अपने आप को सर्फ कर दें। होता यह है कि इंसान का जो जिस्मानी वजूद है, जिसको बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस कहते हैं, वो बड़ी उसका फॉर्मूला बड़ा क्लियर है कि बायोलॉजिकल वजूद को दिन में 2-3 मरतबा खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको ग़िज़ा चाहिए, उसको फॉर एग्जाम्पल जेंस है, बाकी कुछ इसी तरह की जो कुदरत ने फीड की हुई है इस सिस्टम के अंदर चीज़ें, वो उसके लिए हंग्री है। ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में पैदा होने वाले जितने भी अशख़ास हैं, किसी भी बड़े आज़म में, कहीं भी जगह, किसी भी कौम में, ये उनमें यकसा है। उनमें एक जिस्मानी वजूद, जिस्मानी वजूद चाहता क्या है? जिस्मानी वजूद जो है वो उसका सबसे टॉप प्रायोरिटी अपनी सर्वाइवल है। ये जितने भी लाखों साल में इंसानी दिमाग जो इरतका का सफर है, तो सब जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो भी हकीम है, सारी साइंस के सारे स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इंसानी वजूद और इंसानी दिमाग जो है उनका एक ही पर्पज है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपनी बका के सिलसिले में मसरूफ रहता है। और फिर और इसी पर्पज के लिए वो तमाम तर डिसीजन लेता है, तमाम तर अफाल करता है, तमाम तर हरकतें करता है जो कि उसको सर्वाइव करने में मदद दे सके, सर्वाइव करने में मदद दे सके, उसके बाद फिर अपने आप को बढ़ाने में मदद दे सके, जिसको हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होने को कहते हैं, उसमें वो मदद दे सके। जो रूह है उसके मुतालबात कुछ और हैं। रूह की डिस्कवरी, रूह की हंगर, रूह का जो मुतालबा है हमारे साथ, वो कुछ मुख्तलिफ है। वो एक दिन में 2 मरतबा या 3 बार के खाने का नहीं है, या जिंस का नहीं है, वो किसी और तरीके से फुलफिल होती है। और होता यह है कि जब हम जिस्मानी वजूद से अपना सफर शुरू करते हैं, तो आराम से 20-30 साल तक तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो हम उसी जिस्मानी वजूद की जो बेसिक गिरारियां हैं और कुंजियां हैं उसी को लगाते रहते हैं, और ऐसा ही ऐसा उन्हीं को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि हम उस एज में आते हैं, जिस तरह से बड़ा मशहूर और मारूफ है कि नबूवत जो है वो 40 साल की उम्र में क्यों अता हुई, क्योंकि 40 साल की उम्र में पहुंच कर जो इंसान का नफसानी वजूद है, जो फिजिकल वजूद है, उसमें कुछ ठहराव आता है, और फिर
कुछ और चीज जो कि उस वजूद से ऊपर की या मावराज चीज है वो उस पर खुलना शुरू होती है। तो ये जरूर है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये दोनों चीजें आपस में मुतजाद हैं, आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट्री हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इन दोनों में एक एक धागा है, एक बंधन है, लेकिन उस तक पहुंचने में वक्त लगता है। जब हमारा नफसानी वजूद जो है हम उसको थोड़ा सा ठहराना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा उसको पिघलाना शुरू कर देते हैं, थकाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर जो दरवाज़ा है जो हमारी रूहानी वजूद के अंदर वो खुलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आजकल रमज़ान मुबारक का महीना है और जो रोज़े की जो पूरी साइंस है उसके पीछे ये है कि वो हमें एक थोड़ा सा रोकता है और तफक्कुर करने पे हमें इस सारे प्रोसेस से जो जिस्मानी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा स्लो करके ठहरा के हमें रूहानी प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है। तो ये एक ऐसा सफ़र है जो एक वजूद से शुरू होकर दूसरे के अंदर मुंतकिल होता है और फिर उसकी सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, हज़ारों सैकड़ों सीढ़ियाँ जो चढ़नी पड़ती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मुमकिन ज़रूर है कि आप इस वजूद से उस वजूद के अंदर उतर सकें। सुबह बखैर ज़िंदगी, जी सुबह बखैर ज़िंदगी ये मेरी किताब है जो कि अभी रिलीज़ हुई तकरीबन कोई आप समझ लीजिए जस्ट एक हफ्ता पहले ही, और ये बड़ी एक बल्कि दिलचस्प किताब है। ये किताब यूं दिलचस्प है, एक इसे आप अपनी तर्ज की अनोखी किताब कह सकते हैं कि इसको समझ लीजिए कि एक बंदे ने नहीं लिखा, इसको सैकड़ों बंदों ने या हज़ारों लोगों ने मिलकर लिखा है। क्योंकि हुआ यह कि मैंने आज से जब साल पहले लिखना शुरू किया इसी उनवान के तहत, तो उसमें जब मैंने लिखा तो उस लिखे पे लोगों ने राय दी, उसी राय को फिर मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो ये एक बड़ी एंगेज किस्म की किताब है। तो सुबह बखैर ज़िंदगी जो है, गुड मॉर्निंग लाइफ, ये इनफैक्ट आप इसे एक सिंबॉलिक तरीके से देख सकते हैं कि हर रोज जब हम उठते हैं तो एक तरह से जो मुर्दा है वो नए सिरे से जिंदा होता है। ठीक है, वैसे तो जो रूहानी लोग जो कि इस मामले को देखते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ही जब आप हर नए सुबह जागते हैं जैसे आप मौत से वापस आए हैं, क्योंकि मौत भी उसी तरह का एक मुख्तसर सा वक्फा है। तो जब आप जिंदगी की तरफ वापस आते हैं तो हर रोज आपको जिस चीज़ ने मुझे फैसिनेट किया वो ये है कि एक तो यह है कि हम जिंदगी को एक साइकिल के तौर पर देखें, जैसे कि हर रोज हमने एक ही साइकिल के अंदर घूमना है, एक ही मदार के अंदर घूमना है, लेकिन या फिर हम हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी के हवाले से देखें कि आज जो कुछ है, आज जो 24 घंटे हैं या आज वो 16 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे जो मैं अपने लिए गुजार रहा हूँ उसको मैंने मुख्तलिफ तरीके से गुजारना है, उसको मैंने मुख्तलिफ तरीके से जीना है, सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि जीना जिसे कहते हैं, तो फिर उसमें बहुत सी हमारे हाथ में एक मेन्यू आ जाता है, हमारे हाथ में गुंजाइश आ जाती है, इख्तियार आ जाता है कि किस तरीके के साथ मैं ये चाहूँगा कि मैं आज का दिन गुजार सकूँ, गुजारने के लिए जी सकूँ। तो गुड मॉर्निंग लाइफ एक ऐसी किताब थी जो इसी हकीकत की तरफ एक इस्तारा है या इशारा है कि हर रोज़ हमें जो ज़िंदगी मिलती है, जो ज़िंदगी अता की जाती है, वो हमें एक भरपूर मौका दिया जाता है एक दफ़ा फिर रीसेट करने का अपने आप को और उस तरीके से जीने का जिस तरीके से जीने का हक है। तो इसको बहुत से लोग हैं जो नए जज्बे और उमंग से नहीं उठते ये भी बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं जिंदगी में मिला हूँ और बड़े कामयाब लोग भी हैं, कामयाब समझिए कि आप उन्हें कह सकते हैं कि वेल्थ के हवाले से कामयाब है, क्योंकि कामयाबी की डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन में बहुत सा पैसा कमाना भी एक पड़ाव है, एक उसका पार्ट हो सकता है। मैं उसको बहुत लाजमी उसकी शर्त नहीं समझता, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं। तो बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे जो हर रोज उठते हैं और एक ही साइकिल के अंदर उसी तरीके से घूमते हैं, लगता है कि एक ही मदार में घूम रहे हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि एक नई उमंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक दफा फिर एक नई जिंदगी मिली है, एक नया दिन मिला है और 24 घंटे एक ही वक्त मेरे पास भी है, आपके पास भी है, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान के पास भी यही 24 घंटे हैं, और ये कि उसका इस्तेमाल क्या है, किस तरह से इन 24 घंटों को हम अपनी ज़िंदगी की, अपनी रूह की नशो नमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। और जो इसका जवाब दे पाता है उस पर फिर ज़िंदगी बहुत से तरीकों से मेहरबान हो जाती है। बिल्कुल,
पर्सनल डेवलपमेंट या जैसे आप हम खुदकारी कह सकते हैं, अपने आप को गढ़ना, अपने आप को तराशना, अपने आप को तैयार करना जिंदगी के लिए, ये एक पिछले 100 साल में बड़ी नशोनुमा हुई है साइंस की। आप सबके में है कि फर्स्ट वर्ल्ड के आसपास, वर्ल्ड वॉर के आसपास, सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, सबसे पहले अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका आपके में है कि एक इम्कानात की सरजमीन है, और वहाँ पे अमेरिकन ड्रीम जिसे कहते हैं कि कोई भी शख्स जो कि कोई चीज सोचे वो उसको पा सकता है। तो उस हवाले से डेल कार्नेगी और फिर नेपोलियन हिल, और इसी दौरान में 1920, 1915, 1920, 25 के आसपास पहली मरतबा दुनिया में ये बात शुरू हुई कि कोई भी इंसान जो चाहे वो बन सकता है, वो कर सकता है, जो उसके ख्वाब हैं, जो उसके जहन में आने वाला ख्याल है, वो हकीकत को उतार सकता है। तो ये एक बड़ी अनोखी चीज थी, और ये अनोखी चीज यूं थी कि ये पहली मरतबा एक बाकायदा डिसिप्लिन के हवाले से, एक साइंस या आर्ट के हवाले से सामने आई। इंसान तो यहाँ पे मौजूद है बहुत हजारों साल से, और लेकिन उसमें डिटरमिन पहले ये था कि अच्छा, अगर आप यानी कि अगर आपसे कोई पूछे पिछले 100 साल में जो कुछ हुआ, समझ लीजिए कि हम, आप जानते हैं इस वक्त दुनिया के सबसे रिचेस्ट बंदा कौन है, ठीक है? आप, आपको फॉर एग्जाम्पल जेफ बिजोस अमेजोन वाले की याद आएगी, आप उसका बिल नाम लेंगे, या बिल गेट्स का नाम लेंगे, या मुख्तलिफ नाम बिल लेंगे आप, इन सब नामों में एक चीज बड़ी दिलचस्पी है कि ये सब वो नाम है जो जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले बिल्कुल अमीर नहीं थे, नहीं था। जिन्होंने एक तरह से दे इवन एग्जिस्ट इन द लिस्ट ऑफ 100 और 500 और 1000 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आज से पहले 100 साल पहले क्या हुआ था, करता था कि जब आप कहते थे दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन थे, तो आपको पता चलता था कि अच्छा, फ्रां मलका, फ्रां बादशाह, फ्रां प्रिंस, जिसके पीछे 200 साल का, 500 साल का, 1000 साल का एक पूरा कबीला खड़ा है, और उसकी 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 जो रकम है, उसकी जो मालियत है, जो नेटवर्थ है, वो बिलियंस में। बिलियन लेकिन में एक नई चीज ये दरियाफ्त हुई कि कोई भी इंसान जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, वो अपनी अपने आप को डेवलप करके, कोई नई स्किल सीख कर, कोई नया काम करके, कोई नई महारत हासिल करके, वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन सकता है। जैसे कि हमने जेफ बिजोस की मिसाल दी, या बिल गेट्स की मिसाल है, या फिर और बेशुमार, अगर आप देखें पहले मार्क जुकरबर्ग को देख रहे हैं, या पहले 50 जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं, अब ये 35 जो हैं वो सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसे आप कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट का, ये वो कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को खुद तामीर कर सकते हैं, नई महारत सीख सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, और इन महारतों और स्किल्स को इस्तेमाल करके आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कामयाब कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस है, चाहे वो रिलेशनशिप की सक्सेस है, चाहे वो लीडरशिप है, चाहे वो मुख्तलिफ किस्म की महारतें। तो पहले तो एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड यह है कि पिछले 100 साल में ये एक साइंस के तौर पे उभरा और बहुत ऊपर आया। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में खैर अभी ये पूरा जो डिसिप्लिन है, ये अभी बहुत ही इस पर काम हो रहा है, और बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत दूर इसलिए है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये बात कि आप अपनी जिंदगी को खुद तामीर कर सकते हैं, आप सेल्फ मेड सक्सेस बन सकते हैं, मिलियनेयर बन सकते हैं, और कामयाबी की जो बाकी शरायत हैं उनको पूरा कर सकते हैं, ये काफी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो मुआशरा या हमारी रियासत या हमारा जो पूरा एक जो सेटअप है, वो चैलेंज करता है, वो आपको रोकता है, वो आपको स्पीड ब्रेकर है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता है सारे काम के अंदर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में बहुत शानदार सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत से आवारों से पाकिस्तान को बदला, इर्द गिर्द की दुनिया को बदला, और बड़े नुमायाँ कारनामे सर अंजाम दिए। तो मुख्तसर मैं इसको कंक्लूड ये करूँगा कि अभी ये जो पर्सनल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री है, ये बहुत शानदार इंडस्ट्री, और यहाँ पे ओवरऑल जिसको अगले 5 से 10 साल में, तो कहते हैं कि तकरीबन ये 55 से 60 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री बनेगी। लाइक पूरी दुनिया में लोग सीखना पसंद करते हैं, उन लोगों से जो कामयाब हैं, जिन्होंने किताबें ऐसा लिखे, दाम देते हैं, उनसे सीखते हैं ताकि अपनी जिंदगियों में बेहतरी ला सकें। पाकिस्तान में अभी ये अपने बचपने में है, और उम्मीद की जाती है कि अगले तकरीबन कोई 10 से 30 साल के अंदर
ये प्रोफेशनली काफी स्ट्रांग होकर सामने आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज जिसकी कमी है वो ये है कि आप अपने पल्ले से, अपने पैसों से अपने ऊपर सर्फ करें, अपनी तामीर जो जी बड़ी एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि मैं इस वक्त लंदन में हूँ और पिछले 10-15 सालों से तकरीबन कोई 40 प्लस कंट्रीज में जा चुका हूँ, बोल चुका हूँ। तो एक बाकायदा कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं जी कि हर साल आपने तकरीबन 15% जो है अपनी पूरी इनकम का वो अपनी जात की तामीर के ऊपर खर्च करना है। आप भी जहाँ मौजूद हैं, हांगकांग में हैं, सिमिलरली सिंगापुर है, जापान है, फार ईस्ट एशिया के बाकी मालिक हैं, वहाँ बाकायदा एक कॉन्सेप्ट है कि लोग आपने हर साल अपनी अपनी तालीम पर, नया सीखने के ऊपर, कोर्सेज के ऊपर, महारतों के ऊपर आपने एक सर्टन अमाउंट खर्च करनी है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं हो रहा, हमें मुफ्त की काफी सारी आदत है और हम चाहते हैं कि हमें अपने ऊपर खर्च ना करना पड़े। हाँ, खर्च करते हैं हम खुराक पर खर्च करते हैं, कपड़ों पर खर्च करते हैं, घरों में खर्च करते हैं। तो लगता है अगले 10-30 साल में हम इंशाल्लाह इन चीजों पर भी खर्च करने लगेंगे। और इसे आपका काफी दिलचस्प सवाल है, और मैं ये कहूंगा कि नफ्सियात जो है, पर्सनल डेवलपमेंट की पूरी साइंस की माँ है। जो कुछ भी यहाँ इसमें, इस पूरे फील्ड में जो कुछ किया गया, चाहे आप उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहें, चाहे आप इसको पर्सनल डेवलपमेंट कहें, आप इसको प्रोडक्टिविटी मैपिंग कहें, लीडरशिप डेवलपमेंट कहें, नफ्सियात घूम फिर के इस पूरे मामले का एक डिफाइनिंग फैक्टर है। तो बिल्कुल, मैंने अपने जिंदगी का, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का जब आगाज किया तो बहसियत माहिर नफ्सियात किया, और उसके लिए जो भी तरबियत के जो स्टेप्स थे वो पूरा किया। मेरी पहली जो जॉब थी, जो आज से कोई 20-21 साल पहले की बात है, अब वो एक एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में, एक रीहैब सेंटर जिसको हम कहते हैं, उसमें उस जॉब में पहली मर्तबा मुझे अंदाजा हुआ कि किस तरह से हम लोग इंसान जो है, हम लोग एडिक्ट होते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ किस्म के रवैये हों, मुख्तलिफ किस्म की आदतें हों, मुख्तलिफ किस्म की। तो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा। तो बाद में फिर सच पूछें तो पिछले 20 साल में मैंने 7-8 किताबें लिखी या सैकड़ों जगहों पर पूरी दुनिया में जाकर ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट के हवाले से कोचिंग की। तो नफ्सियात उसमें एक बड़ा ही बुनियादी फैक्टर था, क्योंकि इंसान बड़ी सीधी सीधी 3-4 चीजें हैं कि आप सोचते क्या हैं, व्हाट आर यू मेड ऑफ, आप मेड ऑफ जिससे बना, व्हाट आर यू मेड ऑफ, इट्स नॉट अबाउट योर फिजिकल थिंग, इट्स अबाउट योर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, कौन आप किस चीज से बने हैं और आपकी जो नफ्सियाती साख्त है उसमें कौन कौन सी ईंटें लगी हुई हैं, और फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो किस हद तक एक ओपन स्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया जा सकता है या रिजिस्ट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और फिर कितना जल्द आप या किस तरह से आप अपने आप को मजीद डेवलप करने या ग्रो करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये सब नफ्सियाती सवाल हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नफ्सियात इस सारे मामले में एक मास्टर की है या शाह कुलीद है, उससे सारा कुछ खुलता है। और मैंने बाद में नफ्सियात के हवाले से मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में काफ़ी महारत हासिल की, कोचिंग के हवाले से दुनिया के बेस्ट कोचेस से ट्रेनिंग ली, मैं हिप्नोसिस के हवाले से दुनिया के जो बेस्ट हिप्नोटिस्ट्स हैं, हिप्नोटिस्ट जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, वो एक बहुत शानदार टूल है, उसकी ट्रेनिंग ली। तो ये फिर इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहता है, उसको इस्तेमाल करता रहता है। तो बिल्कुल इसने, मैं इसका एतराफ करता हूँ कि नफ्सियात में एज ए स्टूडेंट उसको इख्तियार करना, उसमें महारत हासिल करना, उसको सीखते रहना, उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया पिछले 20 साल में, खासतौर पर ट्रेनिंग डेवलपमेंट और कोचिंग इंडस्ट्री के हवाले से जितने भी डिसिप्लिन हैं उन सब डिसिप्लिन को मुतासर किया। साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनको शायद हमेशा जरूरत रहती है, बल्कि मैं चूंकि यहाँ पे मौजूद हूँ यूके में, यहाँ पर तो इवन फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर कहीं भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पाबंदी होती है कि हर साल वो सर्टन कोर्सेज अटेंड करें, अपने आप को ग्रो करें, और उनको सुपरवाइज भी किया जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी से ज्यादा लोगों का जो एतबार है, उनका जो बिलीफ है, वो पीरों फकीरों और दम करने वालों के ऊपर ज्यादा है। और अभी इसी वजह से साइकोलॉजी जिसे आप कहें कि एक डिसिप्लिन के तौर पे पाकिस्तान में प्रमाण नहीं चढ़ सकी। अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन की
अगर मैं उसका सोचता हूँ और तब मुझे जब नजर आता है, और इवन 20 साल बाद जब मैं देखता हूँ, तो उस पूरे उस मंजरनामे के अंदर शायद कुछ 5-10% कुछ फर्क पड़ा होगा। अभी भी जो दंग करने वाला है, जो छू छू करने वाला है, उसका अभी भी बोलबाला ज्यादा है। उस पे लोग उस पे चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, उसको मानते भी हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप से मैं कहूँ कि आप मुझे लाहौर में और इस्लामाबाद में किसी ऐसे माहिर नफ्सियात को बताएं जो 10,000 या 50,000 एक सेशन की फीस लेता हो और लोगों की उसके पास क्यू लगी हो, तो शायद अभी भी ऐसे लोग ना होने के बराबर हैं। हालांकि हमारे करोड़ों की तादाद में हमारा हमारी आबादी है। तो उसमें आपका कहना ठीक है कि अभी माहिर नफ्सियात या नफ्सियात एज ए डिसिप्लिन के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अभी तक अपनी शनाख्त जो है वो नहीं बना सके। चैलेंजेस तो बड़े बेशुमार हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जाहिर है चूंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में परवान चढ़ा हूँ, और जैसे आपने तारुफ में बताया कि मैं एक बड़ी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आगे आया, बकरियां चलाते चलाते, और उसमें जाहिर है कि चैलेंजेस खास तौर पर पाकिस्तान में हर उस बंदे के लिए ज्यादा हैं जो कि सेल्फ मेड शख्स है। अगर तो आपके वालिद मोहतरम या आपका घराना जो अरबपति है, करोड़पति है, और आपकी कामयाबी की सीढ़ी जो है आपके वालिद मोहतरम ने थामी हुई है, उसको पकड़ा हुआ और आप चढ़ते जा रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। आपकी जमीनें हैं, आपके करोड़ों या अरबों आपके अकाउंट में हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फिर तो ठीक है, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जिसे कहते हैं एक रुकावटों की दौड़, हर्डल्स रेस, इसमें शरीक हैं, आपको छलांगे मारनी है, उसी छलांग मारने में कभी आपका बाजू टूटेगा, कभी आपकी पाँव टूटेगी, कभी सर पर जख्म आएगा। तो ये एक बड़ी रुकावटों वाली दौड़ है। उसकी रीजन ये है कि ओवरऑल पूरा मुआशरा जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको फैसिलिटेट नहीं करता। वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा स्पीड ब्रेकर सामने फेंके जाए और आपको स्लो किया जाए। अब ये उन सब रुकावटों से बच बचा के अपने आप को संभाले रखना और फिर फैलांगते जाना, ये एक कमाल की चीज है और ये हर बंदा नहीं कर सकता। सर ख्याल आता है कि जब मैं कामयाबी की साइंस को भी पढ़ाता हूँ या आर्ट को पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये ख्याल आता है कि ये तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ। ये तो फिर ये चीज है कि हर वो बंदा जो सबसे तेज भाग सकता है या ज्यादा क्योंकि क्या होगा, क्या होगा, असल कामयाबी तो ये है कि जो पीछे रह जाए उनको हाथ बढ़ा कर हासिल करने वाले लोग किसी भी माशरे में वही 5-10% होते हैं। मामला यह है कि बाकी 80% का 90% का क्या होगा, उनको हाथ कौन बढ़ाएगा, उनके सर पर हाथ कौन रखेगा, उनको गले से कौन लगाएगा, क्योंकि रेस में कामयाब नहीं हो सकता। तो वो लोग जो कि लेस फॉर्चुनेट्स हैं, जो इतने तेज नहीं है, इतने तर्रार नहीं है, उनमें कोई कमी बेशी है, तो उनका ख्याल कौन रखेगा, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। और ये वो एक सवाल है जिसका हमें एक मुआशरे के तौर पे जवाब देना है। ऐसा ही है ये, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस पर मेरे भी कोई तनकीदी नुक्ते नजर नहीं है कि अगर किसी को दम कराने से अगर आराम आता है तो आराम आ जाना चाहिए, लेकिन कोई फीता होना चाहिए कि अगर एक बंदा जो है वो 25 साल तक पढ़ के और मुआरत हासिल करता है, स्पेशलिज्म करता है, और फिर उसके बाद इंसानी नफ्सियात के बारे में डिग्रियां लेता है, 25 साल तक अपने आप को खपाता है, तो होनी चाहिए। हाँ, वो अगर 25 साल ये पढ़ के उसके बावजूद वो कुछ सूरत पढ़ के दम करना चाहे तो वो उसकी वक्त अपनी जगह रहेगी। लेकिन मामला ये है कि ये जानना कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से जहाँ तनकीदी नुकता नजर यह है कि अमूमी तौर पर जो आमिल और बैरूपी लोग जो हैं वो किसी बंदे को उसकी हड्डी चढ़ा के और उसके जो अजीज व अकारम उनसे पैसे लेकर उसको दुनिया देकर समझते हैं। तो देखें, साइकोलॉजी खुद बताती है कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी आपकी सपोर्ट है। ठीक है, आपका भी सपोर्ट भी हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि वो बिलीफ सिस्टम किस हद तक ठीक किनारों के ऊपर उस्तवार है। तो ये बात के पाकिस्तान में आप बीमारी को अलग कर सकें नफसाती आवारे से बाकी चीज़ों से, वो एक लंबी दौड़ है। अभी
आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ बाकी मीडिया, किताबें प्रिंट हो रही हैं। आज से 20 साल पहले जब मैंने और कैसर बासम ने किताब प्रिंट की थी शाबाश तुम कर सकते हो, तब पूरी पूरे उर्दू लिटरेचर में मेरे ख्याल में 5 से 10 किताबें थी पर्सनल डेवलपमेंट के मौजू के ऊपर। पिछले 20 साल में आपको हैरत ये होगी कि अभी भी वो किताबें उनकी तादाद 50 से कम है, ठीक है। अभी पूरे उर्दू लिटरेचर में जिसमें लाख करोड़ों पढ़ने वाले मौजूद हैं, आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट पे शायद 50 के आसपास किताबें मौजूद होंगी, जबकि सिर्फ फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक साल में 1.5 से 2 लाख किताब जो है वो प्रिंट होती है। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनको जिनको तब्दील होने की जरूरत है, और फिर जब सब चीजें तब्दील होंगी तो फिर उसका कोई ना कोई फाइनली हमें इम्पैक्ट भी नजर आएगा। ऐसा ही ये आपका काफी दिलचस्प सवाल है, क्योंकि पिछले मैं तकरीबन 10-12 साल से खुबत से वाबस्ता हूँ, और मैंने जो जिंदगी का एक लबे लबाब निकाला या उसका जैसे अर्क निकाला उसे कह सकते हैं, वो ये है कि आप अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में सीखते हैं, महारतें हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं या नाम बनाते हैं, फिर उसके बाद मोस्ट इमीडिएट चीज़ यह है कि आप पे बैक कर सकें, आप रिटर्न कर सकें, आप अपने मुआशरे को उसकी उसकी बढ़ोतरी के लिए कोई काम कर सकें। क्योंकि मामला बड़ा क्लियर सा है कि या तो आपके हाथ में यह है कि आप हर दूसरे तीसरे साल आप गाड़ियां खरीदें, आप घर बनाएं, घर की बढ़ोतरी देखने का घर बनाएं, अपनी अपने जो वार्डरोब है उसको कपड़ों से भर दें, या तो इस तरह की चीज़ें, और फिर वो हो सकता है आपको खास हद तक कोई सुकून दें, खुशी दे सकें, या फिर यह है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद जो जिसे जो एक अनफॉर्चुनेट लोग हैं, वो लोग जो कि क्योंकि ये सब रब की अता है, आप कहें कि आपने बड़ा तीर मारा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो किसी भी बंदे की इस्तेदाद से ज़्यादा जो है वो रब की अता है। और हम समझते हैं, हम समझिए कि हम सब लोग देखते हैं अपने आसपास, पाकिस्तान में हम इस 22-23 करोड़ का मुल्क हैं और तकरीबन कोई 10 से 12 करोड़ लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम देखते हैं लोग अपनी गुर्बत की वजह से, जिसे कहते हैं गुर्बत की वजह से कुफ्र पर आमादा हो जाना, वो अपनी आमादा हो जाते हैं रोटी के लिए, जॉब के लिए, मुलाजमत के लिए। उसकी वजह यह है कि हम एक काफ़ी जिसे कहते हैं एक कट थ्रोट माशरे में रहते हैं, उसमें खबरें आती हैं कि फलां बंदा माँ बाप अपने 5 बच्चों को लेकर नहर के अंदर कूद गए, उन्होंने मिट्टी का तेल पी लिया, उन्होंने जहर पी लिया, ये खबरें हर तीसरे चौथे ऑलमोस्ट डेली। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी खबरों की FIR जो है वो पूरे के पूरे बाकी जो 22-23 करोड़ है उनके खिलाफ करती है रब के हजूर में, क्योंकि अगर हमारे होते हुए हमारे बहन भाई जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं, अगर वो सिर्फ इस वजह से अपनी जान अपने हाथों से ले लें कि उनको वो खाने पीने से लाचार हैं, तो फिर ये एक क्वेश्चन मार्क है, और कोई भी वो मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता जो इस तरह के जो टफ सवाल आते हैं उनके जवाब ना दे। तो अखोवत के साथ वाबस्तगी मेरी जो है 10-12 साल की वो इसी एंगल से है। मैं उनके लिए मैं उनका कितना से वर्कर हूँ जहाँ पे UK और यूरोप में मैं प्रेसिडेंट हूँ अखोवत का, और उनको रिप्रेजेंट करता हूँ रजाकाराना तौर पर, और हम जो भी हमसे बन पाए हम करते हैं, उनके लिए फंड रेजिंग करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ब्लॉग करते हैं, उनके दोस्तों को जमा करते हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि लोग एक ऐसी एक 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 गिविंग के एंगल से वाबस्ता हो जाएं कि जो हमारे लेस फॉर्चुनेट्स हैं, वो लोग जो कि हमारे बहन भाई हैं लेकिन रियासत अगर उनको संभालने में नाकाम रही है, तो हम उनकी मदद कर सकें, उनको गले से लगा सकें, उनके सर पर हाथ रख सकें और उन्हें बता सकें कि वो अकेले नहीं हैं। दूसरों को जो आप देते हैं, आप तो दिए हुए में से किसी को देते हैं ना, जो आपको दिया गया, जो आपको अता किया गया उसी में से किसी को देते हैं, तो हमें से कौन है जो कि कुछ लेकर आया या लेकर साथ जाएगा। तो एक बड़ा बड़ा एक सीधा सा फिलॉसफी है कि आपको जो कुछ दिया गया है आप उसी को आगे तकसीम कर दें, आगे तकसीम करता रहे, तो एक दुनिया जो है कंपैरेटिवली दैट कैन बिकम अ बेटर प्लेस, एक कम दुखों वाली जगह। दुख तो है, लाइक जैसे कहते हैं ना कि मेरे अजीजों तमाम दुख है, दुख तो है, बस यह है कि उस दुख में कुछ ना कुछ सुख का इजाफा किया जा सकता है, और उसको
رب کریم دیں, اس کو برکت اس میں دے دیں, تو پھر وہ بہت سے لوگوں کے سروں پر صاحبان بن سکتا ہے. گریے اور جو لوگ اس پروگرام کو سنیں گے, آپ یو ہیو بین ویٹنگ ویری پیشنٹلی, ونس اگین آئی اپریشیٹ سکسیس اینڈ اینڈیورز. گاڈ بلیس یو.